स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउस एट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। रोहित शर्मा, इस खिलाड़ी के कामयाबी के चर्चे व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो जाने कितने लंबे समय से गूंज रहे थे, लेकिन जब भी बात रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट की होती थी तो रोहित शर्मा का नाम वहां से नदारद ही रहता था। एक वक्त ऐसा भी था कि जब रोहित लिमिटेड फॉर्मेट में तो बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहे थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए टीम में अपनी जगह बनाना भी मुश्किल हो गया था। रोहित प्लेइंग 11 में कई बार अपनी जगह भी पक्की नहीं कर पाए थे। एक समय ऐसा आ गया था कि टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले रोहित के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनानी भी मुश्किल नजर आ रही थी। ऐसे में साल 2019 का वर्ल्ड कप बीता, जहां दुनिया ने रोहित शर्मा का अलग ही अवतार देखा। हिटमैन ने पूरे वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी जड़ दी, और इसके बाद जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग शुरू की तो एक ओपनर के रूप में अपनी धाक जमाई। रोहित शर्मा ने ओवल में भारत की दूसरी पारी में अपनी टेस्ट सेंचुरी जड़ी। रोहित का ये 8वां टेस्ट शतक था। रोहित ने विदेश में अपना पहला शतक जड़ा। रोहित का जो टेस्ट करियर है वो पिछले 2 सालों में पटरी पर लौट चुका है। रोहित टेस्ट क्रिकेट में एज अ ओपनर कमाल कर रहे हैं, और ये बात रोहित भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग ना करते तो शायद उनका टेस्ट करियर पहले ही खत्म हो चुका होता। रोहित ने ओवल टेस्ट मैच के तीसरे दिन सेंचुरी जड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 2019 को याद करते हुए कहा, उस समय मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था और मुझे पता था कि ये मेरे लिए आखिरी मौका था। जब टेस्ट में बैटिंग करने में ओपनिंग का ऑफर आया तो मुझे इसकी भनक लग गई थी कि मैनेजमेंट के अंदर मेरे लिए टेस्ट में ओपनिंग करने की बातें चल रही है, इसलिए मानसिक रूप से मैं उस चुनौती को लेने के लिए तैयार था। मुझे पता था कि ये मेरे पास आखिरी मौका होगा, अगर मैं सफल नहीं होता तो मेरे टेस्ट करियर का कुछ भी हो सकता था। साफ है, रोहित शर्मा को भी ये बात पता थी कि अगर उन्होंने इस बार मौके को नहीं भुनाया तो टेस्ट में बेस्ट बनने का सपना पूरा नहीं होगा, और रोहित ने जैसे ही ओपनिंग की मानो कमाल ही कर दिया। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने के बाद 27 पारियों में 58.48 की औसत से 1462 रन बनाए हैं, जहां उन्होंने 5 सेंचुरी तो 4 हाफ सेंचुरी जड़ दी। और इसके अलावा रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट का दोहरा शतक भी जड़ा। जाहिर है, रोहित ने ओवल में सेंचुरी जड़ने के साथ ही कई और रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रोहित का कद और ज्यादा मजबूत कर दिया है। रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में अब अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही रोहित ने इंग्लैंड में 2000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का भी कारनामा किया। रोहित ने साल 2021 में 1000 इंटरनेशनल रन भी पूरे कर लिए हैं। रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से एज अ ओपनर अपने आप को स्थापित किया है, उन्होंने बता दिया है कि वो भारत में तो ठीक है लेकिन विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। रोहित ने जिस तरीके से ओवल में सेंचुरी जड़ी, उसने बताया कि रोहित विदेशों में भी बड़े रन बना सकते हैं। ऐसे में अब हर किसी को उम्मीद है कि रोहित ने जिस तरीके से वनडे क्रिकेट में बड़ी बड़ी पारियां खेलकर दिखाई है, वैसे ही वो टेस्ट क्रिकेट में बड़ी बड़ी पारियां खेलकर दिखाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउस एट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।